जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 2018 वाली वैकेंसी के कुछ आंकड़े ऐसे से जीडी के, जिससे होगा क्या कि जिससे ये आपको मिलेगा कि कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कौन से पदों पर कितना कंपटीशन होता है, कौन से स्टेट में कितना कंपटीशन होता है। दोस्तों आप सभी को पता, अलग अलग स्टेट की अलग अलग मेरिट रही है 2018 वाली, लेकिन आप सभी को नहीं पता होगा किस आधार पर रही है। आज मैं उसका कुछ आपको आंकड़ा समझाने वाला हूँ, जिससे होगा क्या कि आपकी जो आने वाली तैयारी है आप उस आंकड़े को मद्देनजर रख के कर सकते हो कि इतना मेरा टारगेट होना चाहिए। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, पिछली वैकेंसी चाहे 2018 की हो 2015 की जो वैकेंसी थी, उसकी मेरिट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मेरिट का जो क्राइटेरिया है उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, एक दो नंबर ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए मैं 2018 वाली मेरिट के, उसकी वैकेंसी के, कितने पद, कौन सी कंपटीशन रहता है, कौन सी पोस्ट में कितना कंपटीशन रहा, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल देने वाला हूँ। अच्छे से वीडियो एंड तक देखिए, ताकि मैं हर एक स्टेट का अलग अलग स्टेट वाइज बता रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत सारे स्टेट ले रहा हूँ जिनका मैं आपको आंकड़ा बताऊँगा पूरा एग्जैक्ट कि किस प्रकार से वैकेंसी रहती है एसएससी जीडी की, कौन से स्टेट में किस पोस्ट में कितना कंपटीशन रहता है। इससे होगा क्या कि आपको पहले से ही, आप बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी तो पेपर ही नहीं हुआ, मेरिट की बात करें, तो दोस्तों आपको मेरिट आज ही दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी कि मेरे को इतने नंबर लाना है, तभी आप मेरिट में नंबर ला पाओगे। अगर आप वेट करोगे पेपर का, तो फिर पेपर आने के बाद में फिर तो मेरिट के अनुमान लगाए जाते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। अभी बदलाव कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्टेट से हो, तो आपको कितनी ज़्यादा तैयारी करनी है। इसीलिए मैं आपके सामने आंकड़े लेके आया हूँ। साथ ही एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज बोल रहा हूँ, ये मॉडल पेपर की बुक है, साथ में इसकी गाइड बुक भी है, लेकिन मॉडल पेपर है। इसमें बहुत ही शानदार ओल्ड पेपर दिए हैं, 13-14 ओल्ड पेपर हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उनका, बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं प्रश्नों को पीछे, साथ में मॉडल पेपर भी दिए हैं, वो आपके पास में होने बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक आप अपनी जाँच नहीं करोगे कि आप कितने नंबर लाने के लायक हो गए, तब तक कोई मतलब नहीं है आपकी मेहनत का। तो दोस्तों ये बुक अगर आपने मॉडल पेपर की अभी तक नहीं खरीदी तो परचेज़ कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और बहुत ही अच्छी बुक है। मैं खुद ही भी इसको पढ़ रहा हूँ और देख लिया मैं इसको, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, अगर आपने नहीं परचेज़ किया तो कर लीजिए। दोस्तों अब बात करें एसएससी जीडी के कुछ आंकड़ों की, तो दोस्तों मैं बता दूं, पिछली जो वैकेंसी रही थी उसमें लगभग 62,000 की वैकेंसी थी, आप सभी को पता है, जिसमें लड़कों की जो वैकेंसी थी वो थी 50,120 की, लड़कियों की 9,238 पोस्ट की वैकेंसी थी। दोस्तों इसमें एक्स सर्विसमैन की अलग से 5,981 पोस्ट की वैकेंसी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टेट से कितनी पोस्टें खाली भी रही है, बहुत सारी पोस्टें खाली भी रही है जो हो सकता है कि 2021 वाली वैकेंसी में ऐड कर दी जाए। जो मैं आपको एक्स सर्विसमैन की 5,981 वैकेंसी बता रहा हूँ, इसमें से केवल 172 वैकेंसी फिल हुई है, यानी 172 वैकेंसी ही फिल हुई है, बाकी जो वैकेंसी है वो खाली है। उसकी वेटिंग लिस्ट भी दे सकते हैं, हो सकता है 2021 की वैकेंसी में उसको ऐड कर दिया जाए। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊँ दोस्तों, मेडिकल के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था उनकी संख्या थी लगभग 1,50,000। इसके पीछे क्या रीज़न है बताने के पीछे मैं आपको एंड में समझाऊंगा। 1,50,000 के समथिंग बच्चों को बुलाया था, 1,52,000 करेक्ट आंकड़ा है, उसमें से 42,000 मेडिकल से बाहर हो गए थे, 1,09,000 के समथिंग 9,000 कुछ बच्चे थे जो बच्चे थे, उसमें से 15,000 लड़कियाँ थी और 93,000 के समथिंग लड़के, 93,500 कुछ लड़के थे। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला हूँ, वो बात यह है कि 60,000 की इस वैकेंसी में 62,000 में से 5,981 पोस्ट तो एक्स सर्विसमैन की थी, उसके अलावा जो वैकेंसी थी उसमें जैसे लड़कियों की 9,238 और लड़कों की 49,120, इसमें जो फिलअप हुई थी यानी जो भरी गई थी, लड़कों की थी 46,308 और लड़कियों की थी 81,003 पोस्ट के समथिंग फिलअप की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कंपटीशन की। अब मैं आपको मेडिकल फिट लड़कियाँ कितनी बताई थी, 15,000 मेडिकल फिट लड़कियाँ, यानी जो मेडिकल में फिट होके, रीमेडिकल में फिट होके फाइनल मेरिट के लिए जो तैयार थी वो कितनी थी, 15,000 लड़कियाँ थी। तो दोस्तों 15,000 में से पोस्ट ने कितनी थी, 9,000 दोस्तों, यानी कंपटीशन बहुत ही लो था लड़कियों का, फिर भी मेरिट अब गई थी काफ़ी, कई स्टेट में अब गई थी। उसका रीज़न था कि लड़की जो पेपर था वो काफ़ी इजी था, नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर बढ़ गए थे, लेकिन लड़कियों में कंपटीशन काफ़ी कम होता है इस वैकेंसी में। इसीलिए जो लड़कियां तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए। ये देख लीजिए मेडिकल फिट के बाद में लड़कियां थी 15,000 कुछ, उसमें से पोस्ट थी 9,200 लेकिन फिलअप हुई थी 8,100, ओनली 8,103 पोस्ट। अब बाकी के बोलेंगे कि तो 1,000 पोस्ट फिलअप क्यों नहीं, तो कई ऐसे स्टेट है जहाँ पर वैकेंसियाँ खाली रह गई। खाली कौन सी रह गई, कैटेगरी वाइज, जैसे अगर एस टी कैटेगरी की वैकेंसी है उसमें अगर 40 पोस्ट खाली रह गई तो रह गई, क्योंकि वो किसी को नहीं दे सकते भाई, एस टी कैटेगरी की ओबीसी वालों को तो दे ही नहीं सकते, एस सी वाले को भी नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी अलग अलग स्टेट में खाली रह के 1,000 के समथिंग ये वैकेंसी रिक्त रही है लड़कियों की, लेकिन फिर भी देख लीजिए 15,000 में से 8,000 के आसपास फिलअप की गई थी लड़कियों में से 15,000 में से। अब लड़कों के तहत 46,308 फिलअप की गई थी, किस में से,
93,000 में से, यानी लड़कों का थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है। लड़के मेडिकल फिट के बाद में लड़कों की जो शॉर्ट लिस्ट बनी थी उसमें थे 93,300 कुछ लड़के, उसमें से 46,300 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो अब जो बच्चे सेलेक्ट हुए इसमें 5800 के आसपास जो वैकेंसी खाली रहेगी EWS की, यानी एक्स सर्विसमैन की, सॉरी EWS की नहीं, ESM की, एक्स सर्विसमैन की, उसके अलावा लड़कियों की 1000 के आसपास और लड़कों की 3000 के आसपास ये वैकेंसी खाली रही है। तो हो सकता है ये पूरी पोस्ट मिला के 11-12,000 2021 की वैकेंसी में जोड़ दी जाए। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, तो लड़कियों का कंपटीशन समझ में आ गया, लड़का का रहा था 93,000 में से लेने कितने थे फाइनल मेरिट में, और मेडिकल फिट कितने हुए थे 152,000। जैसे मैं आपको हर वीडियो में जैसे बताता आया हूँ कि 44-50 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे, उसमें से मेडिकल यानी पहली जो मेरिट रहेगी उसमें 5 लाख के आसपास ही बच्चे पास करेंगे 10% के आसपास। ठीक है, तो वो 5 लाख बच्चे रहेंगे, तो आपको हो सके तो इन 152,000 तक अगर पहुँचोगे मेडिकल फिट हो जाओगे तो आपका भी नंबर आ सकता है। तो लास्ट में लड़कों के लिए कंपटीशन रहा था 1/2 के आसपास, यानी 2 या 2 पॉइंट कुछ पोस्ट पे एक बच्चा था। ठीक है, और फिर मेरिट जंप की थी, उसका रीज़न था नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी नंबर अप हो गए थे SSC GD में। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके आ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ स्टेट की मेरिट बता रहा हूँ कि पिछली जो मेरिट रही थी कुछ स्टेट की सबसे कम और सबसे हाईएस्ट। तो दोस्तों अगर शुरुआत करें हम असम से, तो असम की सबसे मिनिमम जो मेरिट रही थी वो लगभग रही थी 40, यानी सबसे कम, और मैक्सिमम रही थी 45। 45 पे भी जनरल कैटेगरी का नंबर आ गया था असम से। ठीक है, और जो मिनिमम रही थी वो रही थी 40। बिहार से मिनिमम रही थी 40, मैक्सिमम रही थी 72, और मिनिमम 35 भी रही थी बिहार से SSB के लिए, वो नक्सल एरिया से, और जो मैक्सिमम रही थी बिहार से जनरल कैटेगरी की CISF के लिए 72, ये हाईएस्ट थी बिहार की। बात करें छत्तीसगढ़ की, सबसे कम रही थी 42 नक्सल एरिया की CISF के लिए, और 68 पॉइंट यानी 75 के आसपास CRPF की रही थी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि CRPF छत्तीसगढ़ वाले बच्चे काफ़ी CRPF फर्स्ट चॉइस देते हैं, क्योंकि CRPF की काफ़ी सारी बटालियन छत्तीसगढ़ में, तो वो काफ़ी ये फर्स्ट चॉइस देते हैं, तो CRPF की हाईएस्ट रही थी छत्तीसगढ़ में। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की सबसे मिनिमम रही थी 66 ST कैटेगरी की, ST कैटेगरी की रही थी SSB के लिए, और हाईएस्ट रही थी दिल्ली में 80 CISF के लिए, 80 पॉइंट कुछ था। ठीक है, गुजरात की बात करें तो लोएस्ट रही थी OBC की 33 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से, यानी कम से कम, और हाईएस्ट गुजरात की रही थी वो रही थी 52 CISF के लिए, यानी गुजरात में जिन बच्चों के 52 नंबर भी थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। दोस्तों बाद में बताऊंगा इसका मादरा क्या है। हरियाणा में सबसे हाईएस्ट रही थी 86 नंबर SSF की, यानी 86 नंबर, और लोवेस्ट हरियाणा में रही थी SC कैटेगरी की 73 पे, सबसे कम। यानी हरियाणा वालों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, हरियाणा वालों को, चाहे दिल्ली वालों को, और छत्तीसगढ़ के नक्सल एरिया को छोड़ के, और बिहार वालों को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, इनकी मेरिट काफ़ी बढ़िया रहती है। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में 76 रही थी हाईएस्ट, यानी जिसके 76 थे उसका नंबर पक्का 100% हो गया था, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल का हो, OBC का, कोई सी भी कैटेगरी का। और बात करें कब से सबसे कम की हिमाचल में, तो वो था 52। उसके बाद में J&K में हाईएस्ट 54 थे और लोवेस्ट 33 थे, तो यानी J&K की भी मेरिट काफ़ी ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपकी 70 के आसपास नंबर आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की नक्सल एरिया से 38 सबसे कम रही थी, और झारखंड की जनरल कैटेगरी की CISF की 77 हाईएस्ट रही थी। ठीक है, तो ये मैं जो मापदंड बता रहा हूँ ये आपके काम में आएंगे, वो बताऊँगा कब। MP की जो हाईएस्ट रही थी वो थी 86 SSF की, और लोवेस्ट रही थी 54, यानी MP वाले बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी है, यानी कम से कम ST कैटेगरी की 54 नंबर लाना पड़ा था, तब उसका नंबर आएगा ST कैटेगरी विथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बात करें महाराष्ट्र की, तो हाईएस्ट थी 65 CISF की और लोवेस्ट थी 50। ठीक है, उड़ीसा की 57 और नक्सल एरिया से 33 नक्सल एरिया से 33, यानी जिसके 30 नंबर पासिंग मार्क भी मिले थे वो भी सिलेक्शन हो गया नक्सल एरिया और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से संबंधित जो बच्चे थे उनकी। बात करें पंजाब की, तो 67 हाईएस्ट मेरिट रही है पंजाब की, यानी जिसमें पंजाब का जो बच्चा है उसने अगर 67 नंबर भी लाया तो उसका किसी न किसी में सिलेक्शन 100% हो गया, और कम से कम ST कैटेगरी में 55 नंबर पे उनका सिलेक्शन हो गया है कम से कम। बात करें राजस्थान की, तो वही 86 जो हरियाणा की रही थी SSF के लिए, और कम से कम ST कैटेगरी की 65, यानी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन स्टेट के जो भी बच्चे हैं इनको मेहनत इतनी करिए कि कम से कम आपके नंबर 80 हो। कम से कम नंबर कितने हो आपके? 80। अब जितने मैंने मिनिमम नंबर बताए इसमें लड़कियां भी है और लड़के भी हैं,
ठीक है। तो ये नहीं बता रहा हूँ कि 33 में लड़कों का भी नंबर आ गया, नहीं नहीं, वहाँ पर कई आरक्षण मिले उनको, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के, नक्सल डिस्ट्रिक्ट के, फीमेल के। तो कुल मिला के बात यह है, जो मैंने मैक्सिमम आंकड़ा बताया था वो बताया था 86 का इन स्टेट का, SSF के लिए या NIA के लिए। तो 86 और कुछ कुछ स्टेट में 86 भी क्रॉस करी, 86 पॉइंट कुछ, जैसे UP में या हरियाणा में तो 86 पॉइंट कुछ। तो दोस्तों ये जो मेरिट जाती है, तो ये आंकड़ा मैं आपको इसलिए बताया हूँ अलग अलग स्टेट का, बहुत सारे स्टेट मैंने कोशिश की है कवर करने की, बाकी और भी स्टेट है उनका भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब जो मैंने आंकड़े बताए हैं ये अपने जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो ठान लेना है कि आपको इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपके नंबर होने चाहिए। अब दोस्तों अगर बात करें रिलेशन से, तो मैं आपको बता दूं जो मैंने हाईएस्ट नंबर बताए 86, तो आपके दिमाग में 80 प्लस का स्कोर चलना चाहिए, आप चाहे कोई से भी स्टेट से बिलोंग करो। अगर आप मान लो उड़ीसा से, गुजरात से, इन स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके 70 नंबर भी आता है, तो आपका नंबर आ जाएगा 100%। लेकिन आपके दिमाग में अभी प्रेजेंट टाइम में 80 प्लस का आंकड़ा लेके चलना है, लेकिन निराश नहीं होना। ये बाकी स्टेट की मैंने इसीलिए बताई क्योंकि ज़्यादातर जैसे मैं भी बोलता हूँ और भी जितने भी टीचर है वो सभी यही बोलते हैं कि आपको 80 नंबर लाने, क्यों, ताकि कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो जाओ। लेकिन मैं आपको रियल आंकड़े इसलिए दिखाया हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी स्टेट की मेरिट थोड़ी कम जाती, तो आपको निराश नहीं होना। बहुत सारे बच्चे निराश भी हो जाते हैं कि सर मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं और मेरे तो हर एक पेपर में 60 नंबर ही आ रहे हैं, मॉडल पेपर में आपकी वो गाइड बुक लिया था अग्रवाल वाली, लेकिन उसमें मेरे 60 नंबर ही आ रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा गुजरात की मेरिट भी ज़्यादा नहीं जाती, आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, ठीक है, गुजरात की मेरिट भी तो ज़्यादा नहीं जाती, तो आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। वैसे ही महाराष्ट्र की मेरिट कम जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश की 44 पे, 43 पे, यहाँ पे मेरिट रहती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर मेरिट बहुत लो रहती है, तो उन बच्चों को तैयारी करते रहना है, ठीक है, निराश नहीं होना। इसीलिए मैं आपको ये आंकड़े बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरिट के कुछ आंकड़े समझ में आएंगे। और कितनी वैकेंसी अभी भी मैं बता दूँ, अगर वैकेंसी की बात करें तो अगर 60,000 के पोस्ट के आसपास अगर वैकेंसी आती है, तो उसमें लड़कियों के 9,000 से 10,000 के बीच में लड़कियों की पोस्ट आएगी, एक्स सर्विसमैन की भी आई और बाकी के सभी लड़कों की पोस्टें रहेगी। 45,000 प्लस लड़कों की पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है और आप सभी को पता है कि वैकेंसी 60,000 प्लस होने वाली है, इसलिए तैयारी जोरों से कर दो। जिन स्टेट की मैंने मेरिट बताई है आपको उस मेरिट को टारगेट मान के उससे 1-2 नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश ही करना है, ठीक है, कम लाने की कोशिश नहीं करना। आपकी मेहनत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके 1-2 नंबर ज़्यादा ही आए, कम नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।